सलमान खान और शहनाज गिल की कभी ईद कभी दिवाली को लेकर आई बुरी खबर। बदलेगा सलमान खान की फिल्म का नाम, जल्द होगा पूरी स्टारकास्ट का ऐलान। जी हां, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और करोड़ों दिलों की धड़कन शहनाज गिल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग में व्यस्त है। फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग मुंबई में ही हो रही है। यह फिल्म कई वजहों से लगातार सुर्खियों में छाई हुई है। बीते दिनों ही ऐसी खबरें सामने आई थी कि क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते फरहाद सामजी और फिल्म मेकर्स के बीच कुछ कहासुनी हो गई है, जिसके बाद फरहाद इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं करेंगे। हाल ही में कभी ईद कभी दिवाली के सेट से एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें फरहाद भी नजर आए थे। इसी के साथ साफ हो गया था कि सलमान की फिल्म को वही डायरेक्ट करेंगे। इसी बीच अब सुनने में आ रहा है कि फिल्म की टीम कभी ईद कभी दिवाली टाइटल को बदलने के बारे में सोच रही है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कभी ईद कभी दिवाली का नाम बदलने वाला है। फिल्म की टीम जल्द इसकी घोषणा करने वाली है, साथ ही अब पूरी स्टारकास्ट से भी पर्दा उठने वाला है। बीते दिनों इस फिल्म से आयुष शर्मा और जहीर इकबाल का पत्ता कट चुका है। फिल्म की स्टारकास्ट को लेकर अभी भी लोगों के बीच कन्फ्यूज़न काफ़ी बना हुआ है। कभी ईद कभी दिवाली में एक्ट्रेस पूजा हेगड़े लीड रोल करने वाली है। इसके अलावा फिल्म में बिग बॉस 13 फेम शहनाज गिल भी अहम रोल प्ले करने वाली है। मेकर शहनाज गिल की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें मुँह मांगी रकम देने के लिए राजी हो चुके हैं। इस फिल्म में राघव जुआल भी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हुए नजर आएंगे। ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो राघव के बाद कभी ईद कभी दिवाली में सिद्धार्थ निगम और जस्सी गिल की भी एंट्री हो चुकी है। कहानी के मुताबिक यह तीनों कलाकार भाई का रोल निभाएंगे और इन सभी किरदारों के लिए मेकर्स को ऐसे ही कलाकारों की तलाश थी जिसकी कॉमिक टाइमिंग एकदम परफेक्ट हो।